स्टूडेंट्स, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्रामर के बारे में, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब क्रिया करता है और उस वर्ब का सबसे पहले प्रभाव अपने सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि यदि इस वर्ब का प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर पड़ता है और सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है तो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर इस वर्ब का प्रभाव अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है तो उस अन्य को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म। और ऐसी जो वर्ब है, ऐसी वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हम उस क्रिया को कहेंगे जिसका प्रभाव अपने कर्ता तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है और जिस अन्य पर प्रभाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। हमने लिखा शी राइट्स ए लेटर, ही ईट्स एन एप्पल, रोहित रीड्स सुनील, ड्राइवर स्टॉप्स बस। ये आप देखिए, ये सब सब्जेक्ट हैं, यहाँ ये वर्ब है और यहाँ ये जो है इन्हें हम क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्ट नाम देंगे। क्यों देंगे? देखिए, राइट वर्ब है, ये जब होगी तो सबसे पहले शी पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके हाथ मिलेंगे, उसके बाद इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इसके ऊपर लेटर पर। क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले भरा हुआ होगा, ब्लैंक, पहले ब्लैंक होगा, बाद में ये भर जाएगा, ये क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां ईट क्रिया का सबसे पहले प्रभाव ही पर पड़ेगा, उसके बाद इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, एप्पल पर पड़ेगा कि ये खत्म हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहां बीट का प्रभाव पहले रोहित पर पड़ेगा, हाथ पर वो हिलाएगा, उसके बाद किस पर पड़ेगा, सुनील पर, उसके पेन होगा, तो इसे हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इसी तरह से स्टॉप क्रिया है, इसका पहले प्रभाव किस पर पड़ेगा, ड्राइवर पर, वो अपने हाथ पैर हिलाएगा तभी बस को रोकेगा। इसके बाद किस पर प्रभाव पड़ेगा, बस पर, कि वो चल रही होगी और एकदम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ ये बस क्या है, ये बस ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या है, जब क्रिया है उसका प्रभाव अपने कर्ता तक सीमित नहीं रहता बल्कि कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है तो उस अन्य को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं और ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। अब देखिए, हमने पिछले में एग्जाम्पल लिए थे वीडियो में, जैसे हम एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं, ड्राइवर स्टॉप्स बस, पियन रिंग्स बेल, यही एग्जाम्पल हमने इंट्रांसिटिव में लिए थे। वहां ये स्टॉप और रिंग है, ये इंट्रांसिटिव थी, यहां यही क्रियाएं क्या है, ट्रांसिटिव है। क्यों है? यहां स्टॉप का पहले इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ड्राइवर पर, उसके बाद इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, बस पर, बस यहां क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। यहां रिंग का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पीएन पर, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, बेल पर, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी, ये भी क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो यहां ये दोनों वर्ब है, इन दोनों वर्ब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। जबकि पिछले वीडियो में हमने इन वर्ब के बारे में बात की थी, उसमें ये क्या थी, इंट्रांजिटिव थी। अब इन्हीं वर्ब का यूज करके अगर मैं लिख दूं यहां बस स्टॉप्स, दूसरा सेंटेंस में लिख दूं बेल रिंग्स, अब यहां ये दोनों सब्जेक्ट बन चुके हैं और ये क्या है, ये वर्ब है।
अब इनका प्रभाव केवल अपने सब्जेक्ट तक सीमित है। अब यहां पर यही वर्ब क्या बन चुकी है, इंट्रांजिटिव बन चुकी है। यहां ये वर्ब क्या बन चुकी है, इंट्रांजिटिव बन चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है, अब क्लियर हो गया है कि ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव केवल अपने कर्ता तक सीमित रहेगा, कर्ता के अलावा किसी अन्य पर नहीं पड़ता। जैसे कि इन दोनों एग्जांपल्स में है, यहाँ पर जो क्रिया है इन क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर पड़ रहा है, इसके अलावा किसी पर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी अन्य पर भी पड़ता है तो उस अन्य को हम ऑब्जेक्ट नाम देते हैं, और ऐसी क्रिया है उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव नाम देते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे, इनके अंदर जो वर्ब है ये वर्ब अपने सब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट डालती है, और सब्जेक्ट के बाद क्या करती है, ये दूसरे अन्य पर प्रभाव डालती है, और उस अन्य को हम नाम क्या दे देते हैं, ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहेंगे जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। और मैंने आपको बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने बाद क्या ले लेती है, कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पूरक ले लेती है, ठीक है। और ट्रांजिटिव अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। यही कारण है कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं, एक्टिव को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है उसी का यूज करते हैं, उसी का एक्टिव पैसिव बनता है या पैसिव एक्टिव बनता है। क्यों, क्योंकि हमें एक्टिव पैसिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और ऑब्जेक्ट किसके साथ होता है, ट्रांजिटिव के साथ होता है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन की हम बाद में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक्स अ लॉट।